ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। नो सर एर ऑल ऑफ यर डूइंग वेल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे पीपीआर जो कि 5 सितंबर को 6 सितंबर को आई है। आप ये देख सकते हो 25 मई की फाइल थी, मेडिकल अपडेट हुआ 14 जून को, बायोमेट्रिक्स हुए थे 23 जून को, और उनको बीवीएल आया था 29 जून को, और उनको पीपीआर आ गया 6 सितंबर को, जस्ट वन डे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ माई कॉलेज आई गॉट माई पीपीआर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको। फिर ये एक दूसरी फाइल है, मई 14 की फाइल थी, इनको 6 जुलाई को उनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आ गया था, और उनको पीपीआर आ गई 5 सितंबर को। फिर ये आप दूसरी देख सकते हो, 14 मई को फाइल लगाई थी, मेडिकल अपडेट हुआ 14 जून को, रिव्यू स्टार्ट हुआ 14 जून को, बायोमेट्रिक्स हुए 28 जून को, और उनको बीवीएल आ गया 7 जुलाई को, और उसके बाद उनको पीपीआर आ गई 6 सितंबर को। रिसीव पीपीआर आफ्टर सेंडिंग 2 मेल्स टू आईआरसीसी न्यू दिल्ली ऑन September 4th 2:38 PM एंड 7:47 PM received PPR on the next day 5 September। Hope everyone gets the approval soon and files of Canada। So आप मेल कर सकते हो, भले ही आपका BVL आया हो या ना आया हो, एक बार अगर ना आया हो तो भी आप ट्राई तो कर ही सकते हो एक बार करके, लेकिन एक बार ही करें, दो बार करें मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा है यू नो बॉम्बार्डिंग ना कर दे आप मेल्स की। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो 7 जून की फाइल थी, और उनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आ गया था 6 जुलाई को, और उनको PPR आ गई 5 सितंबर को। फिर ये एक दूसरी 10 मई की फाइल थी, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया था 12 जुलाई को, और उनको PPR आ गई 5 सितंबर को। फिर ये दूसरी है, फाइल लगाई थी 14 मई को, मेडिकल हुआ 18 अप्रैल को, और उनका मेडिकल अप्रूव हुआ 16 जून, बायोमेट्रिक्स हुए 15 जुलाई को अभी, एंड BVL आ गया था 19 जुलाई को, और उसके बाद उनको PPR आई 5 सितंबर को। ये एक मई 17 की फाइल है, July 12th को उनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया था, और उनको PPR आ गई 5 सितंबर को। मई 13th को उनका यू नो कन्फर्मेशन आया था, मतलब लगाई थी फाइल, और 6 जुलाई को उनको आ गया था कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, और उनको आज 5 सितंबर को आ गया। सो आप ज़्यादातर फाइल्स अभी आज 5 सितंबर को वो है जिनकी ऑलरेडी पहले से BVL आ चुकी है उनकी। ये आप दूसरी देख सकते हो 14 मई की फाइल थी, 7 जुलाई को उनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया, और उनको 5 सितंबर को PPR आ गई। फिर एक दूसरी देख सकते हो मई 15 की फाइल थी, मई 16 को बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आया, 12 जुलाई को कॉरेस्पॉन्डेंस आया, एंड 5 सितंबर को आ गया। इनकी PPR बट डेफर टू जैन फैशन आर्ट्स एंड बिजनेस, हम्बर था, 5 ईयर स्टडी गैप थी, आयल्स में 7 बैंड सेकेंडरी एप्लीकेंट्स एक्सपर्ट प्रोफाइल इन एक्सप्रेस फ्रूट मेल ऑन 4 सितंबर। ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशन इनको भी। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो 28 अप्रैल की फाइल थी, और उनका June 26 को आ गया था कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, और उसके बाद ऑलमोस्ट उनको 3 मंथ्स लगे, 2.5 मंथ्स के बाद उनको PPR आ गया 4 सितंबर को। फिर एक आप दूसरी देख सकते हो, उन्होंने भी सी फॉलो द सेम ट्रिक यू मेंशन इन द ग्रुप टू दिल्ली एम्बेसी, हमारे ग्रुप है मैं जिसमें हूँ उसमें उन्होंने मेन इंसिडेंट किया था। 6 मई को फाइल लगाई थी, 4 जून को मेडिकल अपडेट हुआ, 4 जून को रिव्यू स्टार्ट हो गया, 23 जून को बायोमेट्रिक्स हुआ, और उसी दिन उनको BVL आ गया, कॉल IRCC 3 टाइम्स उन्होंने कॉल किया था, 2 वेबफॉर्म किए थे, और उनको BPR आ गया 4 सितंबर को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इनको भी। सो ऐसे ही आप भी मेल कर सकते हो, फुल डिटेल चेक करने के लिए आपको इधर आई बटन पे मैं वीडियो छोड़ दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इतनी PPR थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, आज ज़्यादातर PPR उनकी आई है जो इनकी ऑलरेडी BVL 1 मंथ या 2 मंथ पहले आ चुकी थी, आपकी भी आ जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दिए, उधर भी मैं रिसेंट अपडेट शेयर करता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।